हेलो गाइस, वेलकम टू IBS यूट्यूब चैनल। आज हम JOIT जो आपके हिमाचल हमीरपुर बोर्ड ने कंडक्ट किया है पेपर, उसके हिंदी के पोर्शन को हम आज देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का मेथड या अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न आया था वो था सुरेश का संधि विच्छेद। तो अब सुरेश का संधि विच्छेद अगर आप समझेंगे तो संधि विच्छेद जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और संधि विच्छेद का मतलब है आपने कि दिए गए जो विच्छेद है आपके पास में, अलग अलग जो शब्द है दिए हुए दो, इन शब्दों को जोड़ के ये सुरेश बना है। तो आपको बताना है कि ये सुरेश शब्द की फॉर्मेशन किस तरह हुई है। तो इसकी फॉर्मेशन हुई है सुर जमा ईश से। अब ये सुर जमा ईश किस तरह बनता है, जो आपका सुर शब्द है इसका जो रॉ है इसके अंदर अस्वर है और ईश का पहला वर्ण ई आपका स्वर है। तो अ और ई जब आपस में मिलते हैं तो ये चेंज लेते हैं किस में, ए में, और ए आपका स्वर संधि के अंदर गुण स्वर कहलाता है, गुण स्वर। और गुण स्वर आपका स्वर संधि का एक हिस्सा है। तो गुण स्वर है आपका, तो परिवर्तन ए में हुआ तो सु आपका एज इट इज रहेगा और रॉ में ए लग जाएगा तो बनेगा सुरेश। इस तरह आपका सुरेश की संधि विच्छेद होता है। और ये गुण स्वर संधि का एक भाग है आपका। संधि एक बहुत ही वाइड टॉपिक है आपका, जिसमें आपके तीन प्रकार हम बनाते हैं मेजरली। स्वर संधि है आपके पास, व्यंजन संधि होती है और फिर आपकी विसर्ग संधि होती है। तो ये पहली संधि का आपका हिस्सा है। चलिए, तो इसका उत्तर रहेगा सी, सुर जमा ईश सुरेश। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछ रहा है हमसे कि सुलक्षण में तत्पुरुष समास समास कौन सा है बेसिकली। तो सुलक्षण में आपका जो समास है वो है अव्यय भाव। अब समास का मूल अर्थ होता है सम जमा आस। तो सम जमा आस, आस माने प्रयत्न, आस माने, आस का जो आपका अर्थ है दैट इज प्रयत्न, और सम माने बराबर। तो बराबर प्रयत्न करने पे जब आप दो अलग शब्दों को जोड़ते हो तो समास बनते हैं। और ये तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्री, ये चारों ही समास के ही स्वरूप है आगे। और अव्यय भाव समास आपका कहता है कि पहला पद या तो अव्यय होगा, ठीक है जी, या फिर उपसर्ग होगा आपका, या दोनों ही पद अव्यय और उपसर्ग होंगे। तो चार प्रकार से आपका यह अव्यय भाव समास बनता है। तो जो सुलक्षण शब्द है उसमें सु उपसर्ग जुड़ा है लक्षण शब्द के साथ में, और लक्षण का अर्थ होता है फीचर, विशेषताएं, और सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा। सो सुलक्षण माने वन हु इज हैविंग गुड फीचर्स और एट्रीब्यूट्स, उसे हम कहते हैं सुलक्षण। तो सुलक्षण में समास है अव्यय भाव। क्यों? क्योंकि सु आपका उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि आपका संबंधित है प्रत्ययों से, ठीक है। हिंदी में जिस तरह अंग्रेजी भाषा में हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वैसे ही हम हिंदी में यूज़ करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत और बहुत ज़्यादा आपकी आवश्यकता रहती है हिंदी ग्रामर में। क्यों? क्योंकि हमें इनसे नए नए शब्दों का निर्माण करना होता है और दिए गए शब्दों का विच्छेद करना होता है, उसमें आप इसकी सहायता लेते हो। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि चोरी में प्रत्यय क्या है। अब देखिए, जो चोरी है वो एक संज्ञा है। सबसे पहले तो चोरी माने थेफ्ट, एक संज्ञा है, ठीक है जी। और संज्ञा बनने के लिए कोई शब्द होगा आपके पास पहले, जो संज्ञा जिससे आपने निर्माण किया जिससे, तो चोर है इसका शब्द, मूल शब्द। और मूल शब्द में जब आप ई प्रत्यय जोड़ोगे, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, आप देख रहे होंगे चोरी में लास्ट में बड़ी की मात्रा है,
तो बड़ी ई के साथ जब जुड़ेगा तो बनेगा चोरी। तो इसका मतलब प्रत्यय कौन सा इसमें, डी आपका आंसर होगा। दीर्घ ई प्रत्यय इसमें जुड़ा है और प्रत्यय का मतलब होता है ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। तो आपका चोरी में जो प्रत्यय है वो है दीर्घ ई। ठीक है जी, तो ये आपका तीसरा प्रश्न का हल हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो अंतिम प्रश्न है हिंदी के सेक्शन का, जो JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया था हिंदी के सेक्शन में। तो आपका जो अंतिम प्रश्न है वो है कौशल का पर्यायवाची क्या है। अब जो कौशल शब्द है वो बनता है कुशल से, कुशल का मतलब होता है स्किल्ड, ठीक है जी, और कुशल से ही बनती है आपकी संज्ञा माने कौशल। अब स्किल्ड आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है, बट कौशल आपकी संज्ञा है माने आपके पास में किसी भी प्रकार का, कोई भी अगर आपके पास में कोई कौशल है, कोई स्किल है आपके पास में, तो वो कहलाएगी संज्ञा आपकी। और इस स्किल को आप जब जिक्र करेंगे जब इसका, तो ये कहलाएगी संज्ञा पार्ट ऑफ स्पीच में। तो कौशल का पर्यायवाची पूछा है, माने कि इंग्लिश में हम पर्यायवाची को कहते हैं सिनोनिम्स, ऐसे शब्द जो बात या अर्थ तो एक ही बता रहे हैं बट उनको आप यूज वेरिएशन में करते हो, डिफरेंट यूज करते हो। तो अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, पहला तो पाटव है आपका ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका श्रवण है, तो श्रवण का अर्थ है सुनने वाला या सुनने योग्य, सुनने वाला या सुनने योग्य या सुनना। पयोधर, पयोधर का अर्थ आपका बनता है, पय होता है पानी और धर होता है पानी को धरने वाला, तो पयोधर आपका कहते हैं जिसने पानी को धरा है वो है आपके बादल, क्योंकि बादलों से ही पानी, आपकी वर्षा बादलों से होती है। उसके बाद आपका जो अंतिम जो स्वरूप है वो है मृदु, मृदु का अर्थ होता है मीठा या मधुर, मीठा या मधुर। तो ये तो कोई भी हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कौशल का बात हो रही है स्किल की, मतलब आपके पास दक्षता क्या है, ठीक है जी। तो श्रवण में दक्षता नहीं है, पयोधर कोई दक्षता की बात नहीं कर रहा है, मृदु कोई दक्षता की बात नहीं कर रहा है, जो दक्षता की बात कर रहे हैं आपके, दैट इज योर फर्स्ट वर्ड पाटव। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पाटव। पाटव माने होता है आपका, इसी पाटव से एक पटु शब्द बनता है, पटु कहते हैं दक्ष को, पटु कहते हैं दक्ष को, ठीक है। इस दक्ष में अगर ये पट को, पटु शब्द को और तोड़ूं तो ये पट का अर्थ एक वसन भी होता है, वस्त्र को भी कहते हैं पट, ठीक है जी। तो इसमें अव प्रत्यय जुड़ा है लास्ट में तो बना है पाटव, पट में जब अव प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है पाटव, पाटव, ठीक है। और पाटव का अर्थ होता है कौशल स्किल। तो इस तरह के आपके चार प्रश्न हैं जो हिंदी के सेक्शन में JOA में आपसे पूछे गए हैं, जो कि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आसान और सरल शब्द हैं, सरल प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को अप्रोच करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं और आपके सही उत्तर को आप अटेन कर सकते हो, यहाँ से पा सकते हो। तो और इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए या और किसी जानकारी से जुड़ने के लिए आप IBS की शाखा है शिमला में, IBS शिमला, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको लिंक में मिल जाएगी इसी वीडियो के। तो साथियों धन्यवाद साथ बने रहने के लिए, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, धन्यवाद।